आपको शुरू से इस वाकये के घटने के बारे में बताता हूँ। ये जो विक्टिम है सिद्धार्थ मंडाविया, इन्होंने BMW के 3 गाड़ियाँ खरीदी थी 2012 से 14 के टाइम स्पेन के बीच में, साल के बीच में। तो 3 गाड़ी, पहली गाड़ी BMW M5 सीरीज, दूसरी BMW 530D और तीसरी ऑडी Q7, तीनों गाड़ियाँ रिक्वायर्ड डाउन पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद इन्होंने परचेज की थी। BMW इंडिया फाइनेंस ने लोन सैंक्शन किया था। फिर उसके बाद वो लोग 1 से 2 EMI हमारे इंस्टॉलमेंट ड्यू बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस वो चुका नहीं पाए, 1 से 2 EMI। तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में केस फाइल किया था और 12 सितंबर 2015 को उन्होंने आर्बिट्रेटर के सामने, जो उनके चुने हुए वकील होते हैं, आर्बिट्रेटर के सामने एक्स पार्टे अवार्ड इन द एब्सेंस ऑफ द माई इनोसेंट क्लाइंट, उन्होंने आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करवा लिया। उसमें लिखा गया कि गाड़ी उठा ली जाए, 12 सितंबर 2015 का ऑर्डर है। लेकिन 30 सितंबर 2015 को जब इनको फ़ोन आया BMW इंडिया फाइनेंस के तरफ से, उन्होंने कहा कि आप एक गाड़ी का लोन फोरक्लोज कर दीजिए और हम आपको बाकी गाड़ियों में छूट दे देंगे, आप EMI भरिए बाद में। तो इन्होंने क्या किया, उनके बोलने पर उन्होंने 530D का लोन अकाउंट पूरा फोरक्लोज करने के लिए 38,67,538 इतने रुपए की अमाउंट, इतना रुपया इन्होंने 1 घंटे के अंदर जमा करवा दिया उस लोन अकाउंट में BMW 530D के। लेकिन उस कंपनी के लोगों ने डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पे, मिलन मुरुदकर जो आरोपी है, उन्होंने BMW इंडिया फाइनेंस के इंस्ट्रक्शन पे उस लोन अकाउंट से पैसा निकाल कर बाकी दोनों गाड़ियों के लोन अकाउंट में जमा कर लिया और 6-6, 7-7 महीने के EMI एडवांस में अपने पास रख लिए। जब इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि लीगल नोटिस भेजी जाए सामने वाले BMW इंडिया फाइनेंस को, तो मैंने इनके इंस्ट्रक्शन पे BMW इंडिया फाइनेंस को एक लीगल नोटिस दिया कि हमारा जो 6 महीने का एक्सेस पेमेंट आपने रखा हुआ है वो वापस दीजिए। लेकिन उन्होंने अपने वकील के थ्रू हमको रिप्लाई दिया हमारे लीगल नोटिस का कि तुम्हारा कोई पैसा हमारे पास नहीं है, आया नहीं है, और ऊपर से 2.5 लाख रुपया हमसे मांगा और उनके वकील ने 50,000 रुपये की मांग हमसे की, और इसीलिए हमने 1 महीने बाद बांद्रा क्रिमिनल कोर्ट 71st कोर्ट विश्वास माने साहब के कोर्ट में हमने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया, जिसमें हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट्स वर कंडक्टेड एंड द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डायरेक्टिंग द सांता क्रूज पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द FIR अगेंस्ट द 7 फॉरेन डायरेक्टर्स ऑफ BMW इंडिया फाइनेंस एंड अदर एक्यूज। सो इन सबको और 1 अक्टूबर 2017 को एक्यूज बना दिया गया FIR में, MECR नंबर 15/2016 में, साथ पूरे जो फॉरेन के डायरेक्टर्स हैं और एक इंडियन डायरेक्टर है, उन सबको एक्यूज बनाया। लेकिन आज 1 साल हो गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग। और लेकिन इसी दौरान 20 नवंबर 2017 को BMW इंडिया फाइनेंस के लोगों ने एक नल एंड वॉइड सिर्फ एक्स पार्टे आर्बिट्रेटर का अवार्ड 12/9/2015 का दिखाकर गाड़ी जबरन उठा ली। गाड़ी के इन्वेंट्री में लिखा था कि उसमें कुछ नहीं मिला, चाबी हमको मिला नहीं, चाबी हैंड ओवर नहीं की और उन्होंने इलीगली चोरी कर ली गाड़ी। तो वो ऐसा दिखा रहे कि हमने लोन रिकवरी किया है, गाड़ी ले लिया है, रो कर लिया है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं देने होने की वजह से वो इन्वेंट्री में ऐसा लिख नहीं सकते कि हमको कैश और कुछ घड़ियां मिली नहीं है। लेकिन गाड़ी में कैश और घड़ियां थी, और जबकि चाबी बिना चाबी के वो गाड़ी उठा के लेके गए, तब भी उसमें उन्होंने लिखा इन्वेंट्री में जो पुलिस स्टेशन में सबमिटेड है कि नो कैश, नो वैल्यूएबल्स, नो ऑर्नामेंट्स फाउंड, और उसको आधे घंटे में नोटरी भी कर दिया रात के 11:30 से 12 बजे के बीच। अब वही जाने उन्होंने ऐसा कैसा कर दिया। और फिर ये बात हमने हमारे बांद्रा क्रिमिनल कोर्ट 71st कोर्ट विश्वास माने साहब के कोर्ट में हमने एप्लीकेशन देके बताई 20/11 को गाड़ी उठाई थी, 29/11 को हमने एप्लीकेशन दी, तो विश्वास माने साहब ने प्रोग्रेस रिपोर्ट का ऑर्डर दिया आयो को, जो आयो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट का ऑर्डर दिया। अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट हो रहा है, होने वाला है, वो देखा जाएगा, वो तो इट इज़ अप टू जुडिशरी टू डिसाइड कब तक होगा। और दूसरा, उसके बाद हमने 15 दिसंबर 2017 को हमने उसी कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, ये भी हमने फाइल किया एक एप्लीकेशन कि हमारी गाड़ी के अंदर वैल्यूएबल्स थे जो चोरी हुई, सब कुछ। तो विश्वास माने साहब ने ऑर्डर दिया पुलिस स्टेशन को कि मैटर हैज बीन सेंट टू सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, द कंप्लेनेंट टू अप्रोच सांता क्रूज पुलिस स्टेशन और मैटर में बी टेकन सीरियसली, जिसके बेसिस पे 5 मार्च 2018 को FIR रजिस्टर हुई सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में चोरी की।
सेक्शन 379 जो कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट में आता है ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसके तहत एफआईआर रजिस्टर हुई है 5 मार्च 2018 को और आज 17 मार्च 2018 है। अभी तक एक्यूज फरार हैं या अरेस्ट नहीं हुए हैं, वॉट एवर, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक्यूज अभी जो है बीएमडब्ल्यू के डायरेक्टर्स, जिनके ऊपर आज दो दो एफआईआर हो गए, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और लोग ऐसे इनोसेंट लोगों का पैसा खा रहे हैं। और हम लोग अभी कहाँ जाए, ये कहाँ जाएंगे?